इंटरनेट प्रोटोकॉल, देर आर टू वर्जन्स ऑफ आईपी इन यूज टुडे, IPv4 एंड IPv6. द ओरिजिनल IPv4 प्रोटोकॉल इज स्टिल यूज्ड टुडे बोथ द इंटरनेट एंड मैनी कॉर्पोरेट नेटवर्क्स. हाउएवर, IPv4 प्रोटोकॉल ओनली अलाउड 2 to the power 32 एड्रेसेस. दिस कपल्ड विथ हाउ एड्रेसेस वेयर अलोकेटेड लेड टू ए सिचुएशन वेयर देयर वुड नॉट बी इनफ यूनिक एड्रेसेस फॉर ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, एक एड्रेस होता है. ठीक है, एक एड्रेस किसका एड्रेस होगा, जिससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को विद इन द इंटरनेट. इंटरनेट में अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है, कनेक्ट है तो उसका लोकेशन से लेके सारी चीज़ें हमें उस आईपी एड्रेस के थ्रू पता चल जाती है. मतलब उस डिवाइस को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो हमेशा दो प्रकार के आईपी एड्रेस होंगे, IPv4 और IPv6. ठीक है, IPv4 जो होता है आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज करने वाला आईपी एड्रेस होता है. ठीक है, जिसके अंदर 2 to the power 32 एड्रेसेस होते हैं. 2 to the power 32 मतलब 32 बिट के एड्रेस होगा. ओके, जो पूरे के पूरे इंटरनेट पे या फिर कोई कॉरपोरेट नेटवर्क बना है, कोई किसी का अलग से नेटवर्क बना हुआ है, वहां पे भी IPv4 का ही यूज किया जाता है. ठीक है, जिससे हम लोग यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिवाइसेस से जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर अपने प्राइवेट नेटवर्क से भी कनेक्टेड है. ओके, तो IPv4 जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है. IPv6 वॉज डेवलप्ड बाई इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एंड वॉज फॉर्मलाइज इन 1998. दिस अपग्रेड सब्सटेंशियली इंक्रीज द अवेलेबल एड्रेस स्पेस एंड अलाउड फॉर 2 to the power 128 एड्रेसेस. मतलब यहाँ पे IPv4 को अपग्रेड किया गया 32 एड्रेसेस से 2 to the power 128 एड्रेसेस. मीन्स इसका एड्रेस का साइज जो होगा बड़ा होगा, और एक एक एड्रेस से हम लोग 2 to the power 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. इन एडिशन देयर वॉज अ चेंजेस टू इम्प्रूव द एफिशेंसी ऑफ आईपी पैकेट हेडर्स एज वेल एज इम्प्रूवमेंट टू रूटिंग एंड सिक्योरिटी. ठीक है, IPv6 जब आया तो यहाँ पे हम लोग को जो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी वो रूटिंग की और सिक्योरिटी की हम लोग को यहाँ पे देखने मिलती है. बस हम लोग को चेंजेस किस में करना था, आईपी पैकेट हेडर में हम लोग को चेंज करना है. वहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें और लगानी पड़ती है, रूटिंग और सिक्योरिटी. ठीक है, तो IPv6 जो है मोस्ट ऑफ द सिक्योर नेटवर्क में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स है. ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को IPv6 देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग IPv4 पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द वन ऑफ द मेजर प्रोटोकॉल्स इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. दिस प्रोटोकॉल वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड एट द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा मेजर प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में, जो कि नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं हम लोग OSI मॉडल में, और इंटरनेट लेयर में हम लोग यूज करते हैं TCP/IP मॉडल में. दिस प्रोटोकॉल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग होस्ट बेस्ड अपॉन देयर लॉजिकल एड्रेसेस एंड रूट अमॉन्ग देम ओवर अंडरलाइंग नेटवर्क. इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आइडेंटिफाई करेगा होस्ट को बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल एड्रेसेस. लॉजिकल एड्रेसेस मीन्स जो फिजिकल, जो आईपी एड्रेस से कनेक्ट है, मतलब जो आईपी एड्रेस एक है उससे बहुत सारे होस्ट कनेक्ट होंगे. लाइक जैसे हम लोग एक नेटवर्क बनाए जिसमें 100 कंप्यूटर्स हैं,
100 कंप्यूटर्स का आईपी की सीरीज सेम होगी, लेकिन उसमें होस्ट जो है हम लोग 100 होस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आईपी एड्रेस के अंदर 255 होस्ट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल ऑक्टेट में। वो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कैसे होस्ट कनेक्ट होते हैं। आईपी प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू यूनिकली आइडेंटिफाई होस्ट बाय एन आईपी एड्रेसिंग स्कीम। आईपी यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, दैट इज इट डज नॉट गारंटी पैकेट वुड बी डिलीवर्ड टू डेस्टिनेशन होस्ट डेस्टाइंड होस्ट, बट इट विल डू इट्स बेस्ट टू रीच डेस्टिनेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूजेस 32-bit लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस यूज किया जाता है वो 32-bit का लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं जिसमें हम लोग किसी भी होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेसिंग स्कीम के थ्रू। आईपी एड्रेस कभी भी कोई गारंटी नहीं देता कि कोई भी पैकेट जो है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक 100% डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा, मीन्स कनेक्ट कर देगा, लेकिन जो पूरे कंटेंट डिलीवरी ये सब चीज़ें हैं वो HTTP और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स में होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 32-bit लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करेंगे हम लोग। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर एक्चुअली 32-bit बाइनरी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द टू सब एड्रेसेस आइडेंटिफायर्स मेंशन्ड अबव व्हिच रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड द होस्ट टू द नेटवर्क विद एन इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटेड द टू। एन आईपी एड्रेस जनरली shown as 4 octets of numbers from 0 to 255, ठीक है, सिंगल ऑक्टेट में 255 तक रहेगा, ठीक है। जस्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 168.212.226.204, ठीक है। अब यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है जिसमें 4 ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट ये वाला है, सेकेंड ऑक्टेट ये वाला है, थर्ड ऑक्टेट ये वाला है, फोर्थ ऑक्टेट ये वाला है, ठीक है। हर एक ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक होस्ट हो सकते हैं। मीन्स अगर मान के चलिए यहाँ पे 168.212.226.0 से चालू हुआ है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 255 होस्ट कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये एक इंक्रीज हो जाता है 227 हो जाएगा, फिर ये 0 से लेके 255, इस प्रकार से होस्ट कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है 32-bit बाइनरी नंबर को, ठीक है। तो 168 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये 8-bit की वैल्यू होती है, 8, 8, 8, 8, ठीक है, 8 4s are 32, तो 32-bit का बाइनरी नंबर होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट जो होंगे 0 से लेके 255 तक वो हो सकते हैं, जो इसकी वैल्यूज होगी हर एक ऑक्टेट की वो 0 से लेके 255 तक हो सकती है, मैक्सिमम 256 नहीं हो सकती, 255 तक ही होगी, मतलब टोटल 256 होस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। द बाइनरी नंबर is important because that will determine which class of the network the IP address belong to, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग binary numbers देख रहे हैं उसके according यहाँ पे कुछ classes divide किए गए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। An IP version 4 address is typically expressed in dotted decimal notation with every 8 bits, जिसको हम लोग octets बोलते हैं, represented by a number from 1 to 255, each separated by a dot. यहाँ पे हम लोग डॉट से सेपरेट करते हैं हर एक ऑक्टेट को। एन एग्जाम्पल
IPv4 यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.17.43, ठीक है, इस टाइप का एक एड्रेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग हर एक ऑक्टेट को डॉट से सेपरेट करते हैं। IPv4 एड्रेसेस आर कंपोज ऑफ टू पार्ट्स। इस आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर्स इन द एड्रेस स्पेसिफाई द नेटवर्क, वाइल द लेटर नंबर्स स्पेसिफाई द स्पेसिफिक होस्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर्स क्या करेगा, वो नेटवर्क को स्पेसिफाई करेगा, उसके बाद वाले जो होंगे वो होस्ट को स्पेसिफाई करेगा। ये क्लास टू क्लास डिपेंड करता है। ए सबनेट मास्क स्पेसिफाइज विच पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द नेटवर्क पार्ट एंड विच पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द स्पेसिफिक होस्ट। ए पैकेट विथ ए डेस्टिनेशन एड्रेस दैट इज नॉट ऑन द सेम नेटवर्क एज द सोर्स एड्रेस विल बी फॉरवर्डेड और रूटेड टू द अप्रोप्रिएट नेटवर्क। वंस ऑन द करेक्ट नेटवर्क द होस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस डिटरमाइंस विच इंटरफेस द पैकेट गेट्स डिलीवर्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस डाला जाएगा वो सेम नेटवर्क में तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, साथ में रूट करेगा और उसके अप्रोप्रिएट नेटवर्क तक उसको पहुंचाएगा। तो सबनेट मास्क जो होता है वो एक ऐसा नेटवर्क पार्ट होता है आईपी एड्रेस में जो स्पेसिफिक होस्ट जो होगा, स्पेसिफिक होस्ट बोलने से मीन्स सोर्स का और डेस्टिनेशन दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही सबनेट मास्क होंगे, दोनों में ही आईपी एड्रेस होंगे और आईपी एड्रेस जहाँ पे होगा वहाँ सबनेट मास्क होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैकेट में जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में नहीं होगा, तो सोर्स एड्रेस क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा, रूट करेगा और उसके अप्रोप्रिएट नेटवर्क तक उसको पहुँचाएगा। जैसे ही वो अपने नेटवर्क में पहुँच जाएगा, होस्ट क्या करेगा, उस पैकेट को डिलीवर कर देगा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में। तो इस प्रकार से एक आईपी एड्रेस जो होता है उसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।